हाय एवरीवन, तो आज हम टी कोस्टर्स बनाना सीखेंगे जिसमें हमने एपेंड किया है सुंदर से, इसके मोटिव्स किए हैं फ्लावर्स के। तो सबसे पहले जो हमें रॉ मटेरियल्स लगेगा वो है एमडीएफ बोर्ड के कटआउट स्क्वायर और सर्कल शेप में, जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं उस शेप की आप कटवा लीजिएगा। उसके बाद हमने जो बेस पेंट लगाना है वो जेसो लगाना है, वाइट जेसो। ये मेरे पास लिक्विड जेसो है 100 ml का, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था। और इसको आप जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई आप एक फ्लैट ब्रश के थ्रू करेंगे। इस ब्रश के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने पहले ही एक कोट डाली हुई है तो हम धीरे 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 इसके ऊपर दूसरी कोट डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ लिक्विड होता है, याद रखिएगा थोड़ा इसको हिला लीजिएगा क्योंकि ये सेटल डाउन हो जाता है और लम्स ना बने, इसीलिए इसको थोड़ा हिला के फिर आप यूज़ करिएगा। इसको इवनली आप स्प्रेड करिए, एक डायरेक्शन में अप्लाई करिए, धीरे धीरे ब्रश से देखिए। ये मैंने पहले ही कोट करा हुआ है और ये दूसरा कोट मैं कर रही हूँ। उसके बाद बेस पेंट जो कि रेड पेंट है वो हम इनामल पेंट लगाएंगे प्राइमर के बाद होस्टेस पे। और इसको हम जब लगाएंगे तो ये हमारे पास सार्पिन का तेल है जिससे ब्रश को क्लीन करने में थोड़ा सही रहता है और थोड़ा कलर को थिक करने में भी, थिकनेस उसकी कम करने में भी ये हेल्प करता है ऑयल। और हमने यहाँ इस फ्लैट ब्रश की मदद से इनको लगाना है। लगाने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी शाइन आती है इसलिए इनामल पेंट यूज़ किया जाता है। ऑल्सो ये अगर आप पानी भी पड़ जाए इसमें तो ईजिली साफ़ हो सकता है कोई डैम्प क्लोथ से भिगा के। एंड यहाँ पे देखिए दोनों पोस्टर्स स्क्वायर शेप के और सर्कल शेप के हमने दोनों में रंग कर दिया है। रंग करने के बाद इसमें हम जो बनाएंगे वाइट से वो इस टूल की मदद से डिज़ाइंस बनाएंगे। ये एप्पल टूल की तरह अब इस्तेमाल किया जाता है, ये इसको नेल आर्ट टूल भी कहते हैं। ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगाया था और आप इसको अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। इसमें वाइट इनामल पेंट भर के हम डिज़ाइंस ड्रॉ करते हैं। अब देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। धीरे धीरे हमने मोटिफ बनाने हैं और जो आपने डिज़ाइन सोचा हुआ है, देखा हुआ है, उसको आप धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे। और ये टूल इसलिए भी अच्छा रहता है क्योंकि इससे इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है, इतनी स्मूथ फिनिशिंग आती है और हाथ भी अच्छे से सेट रहता है एंड थकता भी नहीं है। ब्रश को हमें बार बार डिप करके लगाना पड़ता है तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए ये टूल थोड़ा प्रोसेस ईजी कर देता है। हम यहाँ पे जो फ्लावर मोटिफ है और लीफ पैटर्न है वो बना रहे हैं। इसको अब मैंने धीरे धीरे पूरा एक एक फिल करके पैटर्न लीफ पेटल बना के फिल करके पूरा कंप्लीट कर लिया था। और सेम डिज़ाइंस आप बना सकते हैं अगर आपको सेम पेयर ऑफ पोस्टर्स चाहिए। अगर आपको सेम पेयर ऑफ पोस्टर्स नहीं चाहिए तो आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस भी ट्राई कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी सर्कल में बनाया है, मैं स्क्वायर वाले डिज़ाइंस का जो वीडियो होगा वो बाद में शेयर करूँगी। और ये डिज़ाइंस कंप्लीट होने के बाद जो हमने करना है, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि इसको अच्छे से सुखाया जाए। अच्छे से सुखाने पर ही ये पेंट अच्छे से सेटल हो जाएंगे और कोई भी इसमें मतलब दाग लगने का डर नहीं रहेगा या पेंट को स्मज होने का डर नहीं लगेगा। तो ये हमारा पूरा कोस्टर्स बन के रेडी है। हमने धीरे धीरे इसको फिल करके साइड की फिनिशिंग दे के सब कुछ रेडी कर लेना है और फाइनल लुक कुछ ऐसा आएगा इन कोस्टर्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिएगा। ऑल्सो मैं स्क्वायर वाले कोस्टर्स के भी डिज़ाइंस आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।